जगन्नाथ जी हमारे बीच में विराजमान है। आज हमारे को बाबा दयाराम साहब धाम का आशीर्वाद, हमारा मार्गदर्शन मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं परम श्रद्धेय महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करते हुए बाबा जी का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर के गादीपति परम आदरणीय श्री अक्षवाड़ श्री परीम सखी जी महाराज, आदरणीय पुजारी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी छत्रसाल प्रणामी नवयुवक सभा के सभी सभासदगण, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सभा के सभी सभासदगण, सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों सजनों, श्रावण का महीना, श्रवण का महीना है सुंदर साथ जी, आनंद लें क्योंकि बहुत विदुषी हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, है ना। हमारे समाज के अच्छे प्रशिक्षक के रूप में जिनको हम जानते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा ज्यादा, बोरीवली में प्राणनाथ ज्ञान केंद्र को संचालन करने वाले और वहां पर ज्ञान चर्चा सुना करके लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे, अब तो नहीं रहे वो, उनके ज्ञान की चर्चा की पूरी गांठ को लेकर के यहाँ आकर के आप सबके सामने उड़ेल रही हैं। और सौभाग्य से पंजाब सुंदर साथ वाणी वितक चर्चनी विराट आदि के विषय में थोड़ा सा समझना जानना भी चाहता है, विशेष करके वाणी के विषय में, और आप वाणी के विदुषी हैं और आप पूरा पूरा लाभ लें, ज्ञान चर्चा का लाभ उठा करके। हाँ, कभी मैं
फिर मिलूंगा वित्तक चर्चा के बाद, तो आप लोगों को क्या क्या विशेष बात मिली, क्योंकि वित्तक चर्चा तो हर साल सुनते रहे, मेरे ख्याल से 40-40 साल से वित्तक चर्चा सुनने वाले बैठे होंगे, 40-50 साल से है ना, तो मुझे कुछ बात जरूर बता देना, क्योंकि ये विशेषता इस बार की चर्चा की रही है, और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान से सुनो। और दूसरी बात है, ये कथा सुनना मात्र नहीं, वृत्तांत जहां का है, मैं शायद पहले भी वित्तक चर्चा में आपके बीच कह चुका हूं, वृत्तांत के साथ में आपको चलना है, परम धाम का वर्णन आएगा तो परम धाम में बैठ करके हम राज्य से मांग रहे हैं जबरदस्ती, तो हमें तो खेल देखना है, और संसार में आए तो सदगुरु प्रकट हुए तो हमें उमरकोट पहुंचना है, सदगुरु उमरकोट से कच्छ तरफ जाते हैं तो उनके साथ साथ चलना है, हमें भी दीदार हो जाएंगे, हमें साथ साथ रहना है, कथा को कथा के रूप में नहीं, ये हमें अपना अपना वर्णन है, उस वर्णन को हम साक्षात अनुभव कर रहे हैं, ये प्रयास करना है, हमारी हार्दिक शुभकामना, बाबा दयाराम धाम की भरपूर आशीर्वाद तो वैसे ही आपके साथ हैं। अब बाबा महाराज श्री चरणदास जी की गाधी गाधी पाकपटन का आशीर्वाद भी वैसे है ही, और आज प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को मिल रहा है, ये मास का पूरा पूरा लाभ आप सब उठाएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ शुभ भावनाओं के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वित्तक मतलब कि हमारी वित्तक आपा प्रीति है, जैसे कि परम धाम के अंदर कहो 25 वक्ष रूपी खजाना है, दाम तालाब कुंजबन जोए मानिक नेर बनकी सोए, पश्चिमी चौगान बड़ोबन कहिए पुखरा जी जमुना जी लइए, आठ सागर आठ जिमी ये 25 वक्ष रे दाम तली के, रूह का खजाना है आठ सागर मानिक पार जमुना जी रंग महल हौजर तालाब कुंज निकुंज आई, वैसे ही कहो इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारी नियामत जो है, हमारा जो खजाना है वो अश अजिम से आया हुआ यह ब्रह्म ज्ञान, विराट चर्चनी श्रीवितक साहेब श्री मुखवाणी है, वितक हमारी नियामत है, वितक एक आईना है जिसके अंदर हम सब कुछ अपने जीवन का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी और की आपा बीती नहीं है, यह किसी और की वितक नहीं है, यह स्वयं हमारी ही आपा बीती हमारी ही वितक है, क्योंकि सतगुरु हमारे है, प्राणनाथ हमारे है, बाइचुराज हमारी है, मोमिन हमारे है, परमधाम हमारा है, ब्रज की लीला हमारी है, रास की लीला हमारी है, जागनी की लीला हमारी है, तो फिर यही ब्रज रास जागनी लीला का परमधाम का दर्शन कराती है वितक, अभी तक किसी और की कैसे हो सकती है, तो अभी तक हमारी वितक है। इस वितक साहेब के अंदर 6 दिन की लीला का वर्णन है, और 6 दिन में भी कहो तो विशेष करके 4th, 5th, 6th दिन की लीला का वर्णन है, जैसे कि श्रीमुख वाणी और श्रीमुख वाणी का ही अंग माना जाता है श्री वितक साहेब को, वो भी श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की वितक को, और श्रीमुख वाणी के अंदर भी हम देखेंगे तो शुरुआत होती है 6 चौपाई मंत्र से, और अंतिम में भी जाकर के हम पठन करते हैं, दर्शन करते हैं 6 चौपाई का, श्री मम्मले करे मद्रासन वहां जाकर के विराम होता है श्रीमुख वाणी। उसी तरह से इस वितक साहेब के अंदर 6 दिन की लीला हम श्रवण करते हैं, प्रथम दिन व्रज का है 11 साल और 52 दिन की लीला, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आज की वितक का सार जो है वो है कि वितक का महत्व क्या है, विशेष करके वितक किसकी है, हमारी वितक है, और फिर बहुत ही बारीकाई से सुना हो, अगर मैं आपको पूछिया तो कल मैं आपको पूछू एक बात विशेष करके आपने नोट की हो तो वो कम,
जिस हुक्म को हमें बोलने की आदत सी पड़ गई है ना, तो वास्ते में हुक्म क्या होता है ना, वो आज के प्रसंग में दिखाया है। छत्रसाल जी के ऊपर हुक्म हुआ, केशवदास जी के ऊपर हुक्म हुआ, या स्वामी श्री लालदास जी महाराज के ऊपर हुक्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया? अपनी इच्छा रखी नहीं, धनी की इच्छा में कुर्बान हो गए। यह हुक्म बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिल्ली में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय महामति प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव आगामी 18 से 23 सितंबर 2018 तक संपन्न होगा। उक्त महोत्सव में उपस्थित होकर तन मन धन से सेवा कर यश और पुण्य के भागी बने। स्थान अंतर्राष्ट्रीय चतुर्थ शताब्दी महा महोत्सव विशाल एनक्लेव नजदीक रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली 110027।